हमारे शहर में एक ही सुन्नी मस्जिद है, लेकिन इमाम साहब के घर में टीवी है। वो कहते हैं कि न्यूज़ के लिए है। हजरत, अब हमारे लिए क्या हुक्म है? क्या उनके पीछे नमाज होगी? अगर नहीं तो जुमा और ईदैन की नमाजों का क्या करें? क्या ऐसी सूरत में घर में नमाज पढ़ सकते हैं? ये सवाल मुबहम है। वो कहते हैं कि न्यूज़ के लिए है, तो इसका यह मतलब भी हो सकता है कि वो टीवी का इस्तेमाल खबरें सुनने के लिए करते हैं और टीवी पर नाजायज तमाशे और तस्वीरें जानदार की उनको नहीं देखते हैं। अगर वाकया यही है तो उस सूरत में जो है उन इमाम साहब पर इल्जाम नहीं है और उनके पीछे नमाज बिला कराहत जायज है। और अगर वाकया कुछ इसके खिलाफ है और ये साबित है तो और मुश्तहिल है तो फासिक़े मौलिन है और उनके पीछे नमाज मकरूह तहरीमी वाजिब इआदा होगी। और जुमा और ईदैन में अगर कोई जामिया शराइत इमाम नहीं मिलता है और वही उसके लिए मुतय्यन है तो बदरजाए मजबूरी जो है जुमा और ईदैन में जो है उनके पीछे नमाज में की अफ़ज़ला की इजाजत है। सल्लू खल्फ़ कुल्ले बिर्रिन व फ़ाजिर का यही महमूल है कि हर नेक और बद के पीछे नमाज पढ़ लो। इसका मतलब इस हदीस का महमूल यही है। जबकि वो कोई जामे शराय इमाम न मिले तो उस सूरत में जुमे के लिए इजाजत है।